हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार, वो सोशल मीडिया कब किसको कितना वायरल कर दे, कितना फेमस कर दे, ये कोई भी नहीं जानता है। कुछ महीनों पहले रानू मंडल को सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा वायरल कर दिया था, इतना फेमस कर दिया था कि आज वो रातों रात बॉलीवुड की स्टार बन चुकी हैं। तो आजकल कुछ उसी तरह एक वीडियो वायरल हो रहा है टिकटॉक पे, जिसमें आपने देखा होगा कि एक एम्बुलेंस है और उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं और वो काफ़ी तेज स्पीड से जा रही है। नॉर्मल जो स्पीड होती है 50-60 की होती है, लेकिन ये जो एम्बुलेंस है ये लगभग 100 से 120 की स्पीड से जा रही है और लोग इसको रास्ता दे रहे हैं, साइड दे रहे हैं कि जल्दी से ये एम्बुलेंस निकल जाए। और आपने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखा होगा ये वीडियो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल क्यों हो रहा है, क्यों ट्रेंड कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसका रीज़न, इसका कारण कि आखिर ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल क्या हो रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, मैं आपको दिल से बता दूं कि इसके पीछे की जो स्टोरी है वो दिल को छू लेने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोरजी टेक्निकल में। मैं हूँ अमित कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन रिलेटेड, नए नए जानकारी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अभी जो वीडियो देखा है ये आज से 2 दिन पहले का है। 2 दिन से ये वीडियो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है। इसके पीछे की कहानी जो है वो दिल छू लेने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये इतना ज़्यादा ट्रेंड क्यों कर रहा है। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले यानी 6 फरवरी 2020 की बात है। कर्नाटक के मैंगलोर शहर के एक हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची को लाया गया था और उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, यानी दिल की बीमारी थी। गैज, डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया और उन्होंने बताया कि बच्ची को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। लेकिन जब करंट टाइम में उन्होंने पता किया कि इस टाइम पे हमें हार्ट कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने बेंगलोर के एक हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया। वहाँ से पता किया कि वहाँ पे एक ऐसी महिला है जिनकी ब्रेन डैमेज की वजह से डेथ हो गई है और उनके जो परिजन हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, वो हार्ट को यानी दिल को डोनेट करना चाहते हैं। तो गैज़, बच्ची के लिए दिल तो मिल गया था, लेकिन मैंगलोर से बेंगलोर की जो डिस्टेंस थी वो लगभग 450 किलोमीटर है। गई 450 किलोमीटर जाने का मतलब 9 से 10 घंटे का टाइम लगेगा और जो हार्ट होता है उसको 4 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना होगा, क्योंकि अगर 4 घंटे के अंदर दिल को नहीं ट्रांसप्लांट किया गया तो जो दिल है वो खराब हो जाता है। दोस्तों, अब इसमें सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जो दोनों हॉस्पिटल की दूरी थी वो लगभग 450 किलोमीटर की थी और जो टाइम था वो सिर्फ 4 घंटे का था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन दोनों के बीच की दूरी को कैसे तय किया जाए, कैसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंचा जाए। तो जो मैंगलोर शहर का हॉस्पिटल था वहाँ पे एक ड्राइवर थे, मिस्टर हनीफ। दोस्तों, उन्होंने बोला कि मैं पहुँचाऊँगा और उन्होंने क्या किया कि एम्बुलेंस से बच्ची को सिर्फ 4 घंटे के अंदर बेंगलोर के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। गैज, ये नामुमकिन काम जो था ये हनीफ ने कर दिखाया और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, जो हनीफ हैं उन्होंने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है, इस वजह से बच्ची की जान बच गई है और उनको काफ़ी सम्मानित किया जा रहा है। इसी वजह से ये जो वीडियो है सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन रिलेटेड, नए नए ट्रिक्स रिलेटेड, नए नए जानकारी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।